सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में। रानी मुखर्जी की आने वाली ये फिल्में 2021 से 2022 में रिलीज होंगी। अगर आप रानी मुखर्जी के डाईहार्ड वाले फ़ैन हैं तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रानी मुखर्जी की फर्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है बंटी और बबली 2। एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वरुण शर्मा। बात करें स्टारकास्ट की तो सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और सर्वरी प्रोमिनेंट रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो काफ़ी शानदार है और जिसमें पता चला है कि वायरा फिल्म्स इस फिल्म से सर्वरी को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं और ये सर्वरी की फर्स्ट फिल्म होने वाली है। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म 19 नवंबर 2021 को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। सेकेंड नंबर पर है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाली हैं आसिमा छब्बर। बात करें स्टारकास्ट की तो रानी मुखर्जी लीड रोल्स में नजर आएंगी। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे है और जल्दी फिल्म के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और ये फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होने वाली है और ये फिल्म सभी माँ या फिर मदर्स को समर्पित होने वाली है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है एमए एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोस। रानी मुखर्जी के थर्ड अपकमिंग मूवी के अपडेट से पहले अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड की अपकमिंग न्यूज पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड नंबर पर है मर्दानी 3। जी हाँ दोस्तों, मर्दानी और मर्दानी 2 के सफलता के बाद मेकर्स फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। ये एक पॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपी पुथरान। बात करें स्टारकास्ट की तो रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में विलन कौन होगा इसको लेकर अभी तक कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आई है। मर्दानी सीरीज रानी मुखर्जी के टेरिफिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। डायरेक्टर गोपी पुरथन ने कहा है कि इस बार हम एक अलग स्टोरी लेकर आने वाले हैं जो बाकी दो फिल्मों से बिल्कुल ही अलग स्टोरी होने वाली है। फिलहाल ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म 2022 के एंड तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी रानी मुखर्जी की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना